नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं प्रियांक सौरभ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि एक बार फिर से हम आपके वीकेंड को बेहद खास बनाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आज फिर इस वीकेंड पे हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमसे जुड़े हैं और हमने ये वादा किया है, इनके साथ मिलकर ये वादा किया है कि हम आपके इस वीकेंड को बनाएंगे बेहद खास, संगीतमय और सुरीला शाम बनाने का ये हमारी योजना है। और इसके साथ हम शुरू करते हैं अपने इस कार्यक्रम को। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं अपने खास गेस्ट का। सबसे पहले आपको बता दूं, ये हमारे साथ जुड़े हैं मसूरी लाल यादव जी, जो बिहार के सबसे बड़े या यूं कह सकते हैं कि बिहार के सुपरस्टार अभिनेता व गायक खेसारी लाल यादव के बेहद खास कहे जाते हैं। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं बिहार की उभरती हुई अभिनेत्री, भोजपुरी अभिनेत्री व मॉडल रिया, और साथ साथ बच्चू बिहारी यादव, जो गीतकार संगीतकार के साथ साथ एक अच्छे गायक भी हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और करते हैं हम इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। तो मसूरी लाल यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहारी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। आपने सबसे पहले इस हमारे चैनल के लिए अपने समय निकाला, तो आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हम मसूरी लाल यादव जी, बाढ़ पटना बिहार से हैं जी। और जितने भी हमारे श्रोतागण देख रहे हैं हमें, उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। और मतलब जानते ही तो थे, मतलब बहुत पहले हम आने वाले थे आपके लाइव से, मतलब उस दिन कुछ काम में चले गए थे हम लोग, तो उस दिन चलिए कुछ खेद है, आज हम आप लोगों के बीच आए हैं। और अब सर बोलेंगे, कुछ सुनाएं उनाएंगे, और क्या, पब्लिक हमारे आशीर्वाद लोग दीजिए और बनाए रखिए। आप लोग मेरा गाना तो सुनवे करते होंगे, बहुत सारे गाने मेरे हैं, बहुत सारे एल्बम हैं। सबसे पहले हमारे गुरु खेसारी जी के लिए, आप लोग गाना तो बहुत लोग सुने होंगे, मेरे गुरु खेसारी लाल यादव जी हैं, तो उनका बहुत सी मतलब बहुत गाना हिट हुआ, एक से एक अभी हिट हुआ, अभी सुपर डुपर हिट हुआ सर, अभी छठ का गाना भी हिट हुआ है, मतलब भोजपुरी है, ठीक है। तो ये थे मसूरी लाल यादव जी, हम इनसे करेंगे बातचीत आगे भी, और आज इनके साथ हमारा ये शाम बहुत ही सुरीला होने वाला है। और हम वादा करते हैं कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम सब मिलकर, हम हमारे माध्यम से मिलकर, हमारे जो खास मेहमान हैं, आपके शाम को बेहद खास बनाएंगे। बिहारी न्यूज आपके इस शाम को बेहद संगीतमय बनाएगा और आप इस वीकेंड का पूरा मजा लेंगे। तो अगली का जो हमारी मुख्य अतिथि हैं रिया, आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम रिया है, मैं एक मॉडल हूँ, मसूरी लाल जी के साथ अगले गाने में आने वाली हूँ। उसके साथ बच्चू बिहारी यादव जी, बहुत ही नाम सुना है आपने इनका, गीतकार संगीतकार, आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। भैया लोग, सबसे पहले बच्चू बिहारी के प्रणाम बा। आज जे कुछ भी बानी, कुछ टूटल फूटल म्यूजिक अरेंज करा तानी हमार केलोड कृष्णा जी, गुरु जी बानी जे, वहाँ से कुछ सीखनी, सबसे पहले वहाँ के यहीं से हम प्रणाम करा तानी। और रहल बात गीतकार के, तो वो मनोज मोहित जी के यहाँ से सीखनी, बहुत प्यार दुलार मिलल कि आज खुद के एगो म्यूजिक लैब बा हमारे साथ साथ, हमारे मसूरी लाल जी और ढेर सारे सिंगर जुड़ल मरण जा, बस रउआ लोग के थोड़ा सा और प्यार दुलार चाहिए, और विशेष में का कहें। देखे में तो छोटे हैं, मगर छोटा बड़े धमाका करते हैं, यानी छोटे पैकेट से बड़ा धमाका आज होने वाला है। हालांकि बच्चू बिहारी जी हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपके खास मित्र और मसूरी लाल यादव जी की बात बोल रहे हैं। एक बात और जी, ये मेरे छोटे गुरु हैं। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी बड़े हैं, ये छोटे गुरु हैं, क्योंकि जितने भी मेरे गाना कंपोज वगैरह सब। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आज ये गुरु और चेला की जो जुगलबंदी है वो काफ़ी पसंद आएगी। हालांकि अब हमारा जो संगीत में सफर है उस चीज़ को हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक फॉर्मेलिटीज होती है कि कम से कम हम आपको मसूरी लाल यादव जी के बारे में एक खास जानकारी दे दें। मसूरी लाल यादव जी, आपका नाम एक बेहद खास लग रहा है, जैसा कि बिहार के विभिन्न गायकों का देखा जाता है, आपके जो परम गुरु हैं खेसारी लाल यादव हैं, या बहुत सारे ऐसे गीत संगीत के क्षेत्र में जो काम करते हैं, उनका नाम कुछ यूनिक होता है, तो आपका मसूरी लाल यादव होने के पीछे क्या नाम है सर? देखिए, इसका मकसद है, अगर सर यूनिक नहीं रहता सर, तो आप मेरा नाम को इतना जिक्र करते हैं। अच्छा, जैसे मुनचुन, चुनचुन, दीपक, ये तो कितने लोग के नाम है सर, तो ऐसा नाम खेसारी लाल यादव जी मेरे रखे हैं स्टेज पे कि हम खेसारी लाल यादव, ये हमारे छोट भाई मसूरी लाल यादव। अच्छा। बस उसी दिन से मेरा माथा पर हाथ रखे, नाम रखे, चल रहा है।
यानी यूं कहें तो खेसारी लाल यादव ने खुद इनका नामकरण किया और खेसारी के बाद मसूरी भी मार्केट में धूम मचा रहे हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, खेसारी जी हमारे साथ मौजूद, सॉरी खेसारी जी के जो यू जूनियर खेसारी ऐसे भी इनको कहा जाता है, और आजकल मार्केट में उन्हीं का धूम है। तो बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम को लेकर। मसूरी जी आप बताइए हमें सबसे पहले कि गीत संगीत के प्रति आपका रुझान कब से हुआ और कैसे हुआ? सर देखिए, जब मैं छोटा था तो मतलब मिडिल स्कूल में जब हम पढ़ने जाते थे तो शनिवार के लोग मतलब जितने भी हमारे टीचर थे किसी से डांस सीखते थे, मतलब कहते थे कि डांस करो रे लड़का, डांस करो, तो वो जानते थे कि लड़का सिंगर है, मतलब बनना चाहता है। मैं उसी क्लासेस में गाता था, ऐसी बेंच पर मतलब लोग बजाते थे, बहुत लोग आजकल बजाने वाले भी मतलब स्टूडेंट रहते हैं, कोई बजा रहे कोई गा रहे हैं, हम बजाते थे नाचते थे और क्या। उसी समय से मेरा लत लगा, खेसारी जी का गाना मतलब बहुत हिट हुआ था, ये सब गाना में क्या बोलता है, सैया अरब गए लेना, अच्छा, सऊदी रे भौजी, उसके बाद फिर इस बोलबम का गाना एक आया था बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ था। तो सूरी जी हम सभी गाना को सुनेंगे जी, लेकिन जी, जैसा कि आप, मैंने सुना है और मैंने देखा भी है आपके एल्बम बहुत सारे धूम मचाते हुए हैं आए हैं अब तक, और आपने भक्ति गीतों में भी आपको दर्शकों का बहुत सारा प्यार मिला है, तो क्यों ना इस संगीत में कार्यक्रम की शुरुआत आपके भक्ति गीत से की जाए? जी जी जी, क्यों नहीं, सुना दीजिए फिर। तो ऐसा है कि जिससे मतलब इस लाइन में तो हम बहुत दिन से हैं, एक्चुअली 2013 से मैं अपना सिंगिंग करने लगा हूँ, और उसके बाद मैं उससे पहले मैं खेसारी जी के एल्बम में, मतलब बहुत सारे सिंगर हैं उनके उनके एल्बम में मैं मॉडल के काम करता था। उसके बाद मुझे शौक चढ़ा, क्योंकि मुझे पहले से ही शौक था कि मैं सिंगर बनूंगा। तो 2013 से मेरा एक एल्बम आया था, तो वो तो मतलब भोजपुरी ही निकाले थे पहले, उसके बाद फिर भक्ति आया था, उसके बाद फिर मेरा 2015 में एक गाना बहुत ही अच्छा बजा था जी। जो सावन का था, बोलबम का था, अच्छा। कि डीजे बजाओ बम जी, एक मिनट सर थोड़ा बजाएं जी जी, बिल्कुल हमारे गुरु जी संगीत दीजिए, क्या बात है, हम पूरे संगीत के मूड में हैं, बिहारी न्यूज पूरा संगीत के मूड में है, और आज खुल के आप मजा लीजिए गीत संगीत का, और इस वीकेंड को बनाइए बेहद खास हमारे आप क्या बोले थे कि इनके अंदर तीन कला है? नहीं सर देखिए, अभी देखिए, अभी आपके सामने दिखाई देगा, दिख रहा है, तो शुरू करें हम लोग। जी 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 जी, बिल्कुल। कि अरे डीजे बजाओ बम जी, हथनी कमर हिलाओ बम जी, हाय अरे चारों ओर गूंजता आ मसूरी के गाना, अरे ठुमका लगाओ बम जी, डीजे बजाओ बम जी, कमर हिलाओ बम जी, डीजे बजाओ बम जी, तनी कमर हिलाओ बम जी। ए भैया क्या बात है, और स्टेज पर बड़ा सर जी, चलिए ठीक है, बहुत मतलब हमारे दर्शक लोग मतलब बहुत सारा फरमाइश रहता है जी जी। तो बहुत सुनाएंगे सर, बहुत सारा मतलब सर स्टेज नहीं ना, मतलब बहुत हमारे एल्बम के माध्यम से हर चारों ओर गूंजा था मसूरी के गाना, ठुमका लगाओ बम। तो देख सकते हैं जैसा कि इनको मतलब पूरे मतलब अपने मूड में आ गए हैं कि आज मतलब तहलका मचा देना है बिहारी न्यूज़ के माध्यम से, और आपके हमारे दर्शकों का भी पूरा पूरा ख्याल रखते भी आपके दिल का गाना, आज आपके फरमाइश का भी गाना हमारे साथ मसूरी लाल जी हमारे इस खास मंच पे गुनगुनाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा मनोरंजन हमारे माध्यम से हो, और हम बात करें मसूरी लाल जी को, अगर आप लोग देरी से जुड़े हमारे साथ तो आपको मैं बता दूं, आज हमारे साथ खास मेहमान मसूरी लाल यादव हैं जो बिहार के बहुत ही तेजी से उभरते हुए भोजपुरी गायक हैं। उनके साथ भोजपुरी की अभी पदार्पण कर रही हैं अभिनेत्री रिया, और साथ साथ गीत संगीत की दुनिया में धूम मचा रहे हैं बच्चू बिहारी यादव जी। सर अभी मैं हम लोग का एक बहुत ही प्यारा नाम रोमांटिक सॉन्ग है जो अभी हम लोग कंपोज किए हैं, भैया ही कंपोज किए हैं, अच्छा। हमारे एक प्रेम भैया हैं जो बहुत ही प्यारा म्यूजिक बनाते हैं, वो अपना म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, हमारे राइटर साहब यही हैं, अच्छा। उस मतलब बहुत जल्द आप लोग के बीच वीडियो देखने के लिए मिलेगा, और उसमें यही मॉडल दिखेंगी, देख लीजिए, अगर आप लोगों को पसंद है तो कमेंट्स जरूर लिखिएगा।
तो जैसा कि मसूरी जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, एक साथ बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं जी, जी, और वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। सवाल के ना कहे, यूं कहे कि वो लगातार फरमाइश कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को जाहिर कर रहे हैं आपके माध्यम से, वो सुनना चाहते हैं गाने को और आपके सुरीली आवाज़ में। तो सबसे पहले मैं सभी लोगों का परिचय करा दूं, उनका एक बार नाम ले लूं। प्रेम कुमार जी बोल रहे हैं, एक गाना सुना दीजिए। प्रेम कुमार जी, बिल्कुल हम आपके लिए गाना सुनवाएंगे। स्वीटी कुमारी बोल रही हैं, सर जी ठीक है वाला सॉन्ग सुना दीजिए। तो समझ जाइए कि महा मतलब आपके गुरु जी खेसारी लाल यादव के बेहद मशहूर, बेहद मतलब मशहूर गाना है ये, ठीक है। और आजकल बिहार नहीं, यूपी नहीं, पूरे भारत में ये धूम मचा रहा है। तो क्यों ना हम उस गाना को लेकर फिर से मसूरी लाल जी की आवाज़ में उस गाना को सुने और कोशिश करते हैं शायद आप खुद झूमने लगे, जैसे खेसारी सॉरी मसूरी जी इस गाना को गाते गाते खुद झूमने लगे थे। गुरु जी का नाम आपका जवान पर रहता है। नहीं नहीं बिल्कुल, अरे आपका लुक भी ऐसा है। दरअसल यूं कहें तो आप कार्बन कॉपी, जैसा कि आप हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, दर्शकों को भी लगता होगा कि शायद खेसारी लाल यादव के जो छोटे भाई हों, ऐसे भी आप छोटे भाई लग ही रहे हैं शायद, जो भी हो। और आपका रिश्ता क्या है वो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। बात से जनता तो मुझे वही मानते हैं। तो मसूरी जी, जी सर बोलिए सर। ठीक है शुरू कर लें? हाँ सर, कौन सा गाना बोलिए सर। फिर है तो शुरू कीजिए। ठीक है तो सर ऐसा है कि ठीक है, तो हमारे गुरु जी का गाना है जी। कि हुए हैं फरार अब छपरा लौट के न जाएंगे, क्या सर? ठीक है ठीक है। ओ सॉरी। अरे सबका नजर से हुए हैं फरार अब छपरा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे और जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है अरे नून रोटी खाएंगे और जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है तो सर इस पे मेरा भी एक गाना कंपोज किया हमारे गुरुजी, मतलब बच्चू बिहारी यादव जी। बच्चू बिहारी यादव, हाँ बिल्कुल। वो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और एक्चुअली अभी मार्केट में आया नहीं है, मगर आने वाला है, तो बहुत जल्द वो मार्केट में आएगा। और मैं थोड़ा सा एक लाइन गुनगुना रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि भले बाबूजी से दुनहू बेरा आ जूते जूते पिटाएंगे। ठीक है कि भले बाबूजी से दुनहू बेरा आ जूते जूते पिटाएंगे, आ घर ही भैंस चराएंगे आ दूध रोटी खाएंगे। ठीक है अरे घर ही भैंस चराएंगे आ दूध रोटी खाएंगे। ठीक है तो जैसा कि आप देख रहे हैं माहौल ही बड़ा ही ठीक है, ठीक है हो गया है। और हमको भी लगता है कि आपको भी मनोरंजन बहुत ही ठीक है तरीके से हो रहा है और बहुत तरह की फरमाइशें आ रही हैं। मसूरी जी हम जी आगे बढ़ना चाहेंगे, हमको तो लग रहा है कि जैसे आप ठीक है में रम गए हैं और पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है, ठीक है ठीक है, माहौल भी कुछ वैसा ही बन चुका है। बच्चू जी का भले ही वो शांत हो गए, पता नहीं क्यों बजाना बंद कर दिए। ठीक है कब हटेगा, भी अच्छा है। नहीं नहीं बहुत ही अच्छा गा रहे हैं, दर्शकों का प्यार दिख रहा है लगातार। ये गाना मेरे गुरु जी था, बहुत ही सुपर डुपर, मतलब इस साल का मतलब 2018 का सुपर डुपर हिट सॉन्ग है। सबका जवाब सर ये तो पुराना है ना। ठीक है जी सर, ठीक है जी बिल्कुल, उसी को नया कर दिया गया। ठीक है ठीक है बिल्कुल ऐसा भी है। जैसा कि हम देखते हैं हमारे हमारी सभ्यता में अक्सर कुछ भी हो लेकिन लोग ठीक है जरूर कहते हैं। आप भले ही घर से खाना खा के ना चले, आप तरह तरह की समस्याओं से पीड़ित हो, आपके अंदर तरह तरह की बहुत तरह का टेंशन हो, लेकिन मतलब ओठों पे कहते हैं लोग कि ठीक है, कोई हालचाल पूछता है। तो अगर इस गाने में हमारी सभ्यता भी कहीं ना कहीं झलक जाती है, तो भले ही यह एक व्यंग्यात्मक रूप में शुरू हुआ था इस गाने को लेकर और आज यह व्यंग्यात्मक गाना काफ़ी फेमस हो चुका है और इसके माध्यम से जो हमारे गायक हैं खेसारी लाल यादव, उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। और हालांकि वो पहले ही काफ़ी प्रसिद्ध एक्टर हैं, अभिनेता हैं और गायक हैं, साथ साथ इस गाने को गा के बहुत सारे गायक जो हैं काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और मसूरी जी हम जी आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारे हमारे साथी जुड़ चुके हैं। शशि कुमार बोल रहे हैं एक सॉन्ग होना चाहिए जी। शशि जी गाना तो हम लोगों ने गवाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है और आगे होता ही चाहिए और होता ही रहेगा, हमें पूरा विश्वास है। और गौरव गुप्ता जी ठीक है वाला जी, ठीक है वो हो चुका है। रिक्की श्रीवास्तव भी, उनका भी फरमाइश यही था ठीक है वाला गाना। और बहुत सारे ऐसे हैं लोग, प्रवीण कुमार दुबे आपको हाय बोल रहे हैं और नमस्कार भैया। और बच्चू जी के लिए बहुत ही खुशखबरी है
कि प्रवीण कुमार दुबे आपको लव यू बोल रहे हैं, बच्चों जी लव यू, तो इनके तरफ से लव यू टू। उसके बाद बहुत सारे दर्शकों का फरमाइश आ रहा है और रिक्की श्रीवास्तव जी का बेहद खास फरमाइश है कि बच्चू जी के मुंह से भी कुछ खास हो जाना चाहिए। जी, जी, तो बच्चू जी आप तैयार हैं हमारे दर्शकों के सामने गुनगुनाने के लिए? तो कोई आप अपनी पसंद का एक गाना गुनगुना दीजिए, हमारे दर्शक बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। तकव न कमी रहे, क्या बात है, तकव न कमी रहे हर मसूरिया यही में, नहीं खुदा को दिल में जा, क्या कि प्यारे रहे नहीं हाथ के लकीर में, नहीं खुदा को दिल में जा। तो जैसा कि रिक्की जी आपके फरमाइश को हमने सुनवाया, हालांकि बच्चू जी ने बहुत ही कम शब्दों में गाया, बहुत ही कम पंक्ति को गाया, लेकिन बहुत ही हमको लग रहा है कि माहौल तो बना दिया है। और इस जमे हुए माहौल के बीच में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा बहुत सारे सवाल भी हैं आपसे कि हाल ही में जो मतलब माना जाता है कि आप खेसारी लाल यादव के, जैसा कि आपके लुक से भी, आपके गाने के अंदाज से भी और मार्केट में भी, और आपने यह भी कह दिया है कि मतलब आपका जो नाम है वो भी खेसारी लाल यादव का दिया हुआ है, तो आप इस स्तर पे उनके माध्यम से पहुँचे या उनके नाम से पहुँचे, आप उनके लिए कोई गाना गुनगुनाना चाहेंगे क्या? क्या बात है सर, मेरे गुरुजी का गाना है, मतलब हम लोग भैया ही कंपोज किए थे, हमारे बच्चू भैया। कि बानी हम खेसारी जी के चेला अघर पटना जिला, अरे बानी हम खेसारी जी के चेला घर पटना जिला। ये डुएट गाना था सर, मगर हम साथ नहीं। ये खुशबूतम जी गाई थी। अच्छा जी, तो बहुत सारे फरमाइश अभी भी लगातार आ रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चू जी आप भी मतलब कुछ, आप क्या मतलब भोजपुरी के अलावा और भी कोई गाना गाते हैं हिंदी वगैरह? बहुत सारा गाना गाते तो हैं। क्यों ना एक हिंदी भी मिक्स हो जाए, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं भोजपुरी के साथ साथ हिंदी के भी, तो हिंदी की कोई गाना मैंने सुना है आप दिल जलेब मूवी का एक गाना बहुत बेहद खास गाते हैं। कुमार सर जी तो मेरा बचपन से ही। जी जी, तो क्यों ना वही गाना हो जाए, एक गाना आप। जिसके आने से रंगों में डूब गई है शाम, जिसके आने से रंगों में डूब गई है शाम, सोच रहा हूँ किससे पूछूं उस लड़की का नाम, हे हे आहा। क्या बात है। तो जैसा कि आपने देखा, बच्चूलाल यादव जी सिर्फ एक गीतकार नहीं, एक संगीतकार नहीं, बल्कि एक बहुत ही बेहद शानदार गायक भी हैं और उनके गायकी का अंदाज देखिए आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि हमारे साथ जुड़े हुए आज खास मेहमान खेसारी लाल यादव के बेहद खास चेले, कह सकते हैं कि मसूरी लाल यादव जी, अभिनेत्री रिया और गीतकार संगीतकार, अब हम गायक भी बोलना जरूरी समझ रहे हैं, गायक बच्चू बिहारी यादव। तो दोस्तों हम बोल दिए थे कि छोटा पैक बड़े धमाका। जी बिल्कुल, बड़ा बड़ा धमाका करने का हमको दिख रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारे फरमाइश आ रहे हैं और बच्चू जी का भी गाना हो ही गया है और हमारे साथ अमरजीत जी हैं, वो भी बोल रहे हैं ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक और है। कीर्ति वाला का आ रहा है मैसेज, वो बोल रहे हैं लॉलीपॉप सॉन्ग हो जाए। जी शायद वो पवन सिंह का गाना है लॉलीपॉप। एक्चुअली ऐसा है कि मैं अपने गुरुजी के अलावा मतलब बच्चू बिहारी जी हैं जो उनका भी कभी कभी गाना गुनगुना देता हूँ, और एक्चुअली ज्यादा तो मैं अपने गुरु जी का ही गाना गाता हूँ, नहीं तो फिर अपना गाना गाता हूँ। कि तू लगा बेलू जब लिपस्टिक ही ले लाया राडिस्टिक, तू लगा बेलू जब लिपस्टिक ही ले लाया राडिस्टिक, जिला टॉप लगेलू कमरिया कम, क्या भैया बजी कमरिया 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 करेला पाला पलाली पॉप लागेलू, कमरिया करेला पाला पलाली पॉप लागेलू। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पवन सिंह का गाना गाया, पवन सिंह भी हमारे बिहार के बहुत ही बेहद और बहुत ही सुपर कह सकते हैं कि बहुत ही शीर्ष के गायकों में से एक हैं, शीर्ष के अभिनेता हैं और काफ़ी एक बिहार की पहचान है
वो यूं कहें कि बिहार के पहचान के रूप में आप पवन सिंह को भी जानते हैं, खेसारी लाल यादव को भी जानते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मंच पे हमारे साथ जो मंच साझा कर रहे हैं मसूरी लाल यादव भी हमारे बिहार की पहचान बनकर उभर रहे हैं और आने वाले समय में ये शीर्ष के गायक बनेंगे। और हमारे साथ मौजूद बच्चू यादव जी भी काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि रिया जी का आने वाला जो एल्बम है वो भी काफ़ी बेहतर साबित होगा। और तो हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने एल्बम के बारे में कुछ बताएं जो आने वाला एल्बम है। जी सर, देखिए अभी अभी हम लोग का छठ का गाना गया है जी। उसके बाद फिर मैं अभी लोकगीत का तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। एक्चुअली मतलब कंपोज वगैरह सब हो गया, म्यूजिक कार्ड सब बन गया, गा भी लिया हूँ, सिर्फ मार्केट में मतलब बहुत ही जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। अच्छा। उसके बाद हम लोग होली की तैयारी करेंगे सर, वो तो गांव का होली सर आप जानवे करते हैं। हाँ, तो उसे ही गाँव का वाला हम लोग का आ रहा है होली गीत, बहुत ही प्यारा प्यारा सॉन्ग। हमारे बच्चू भैया जी हैं, हमारे मनोज मोहित जी हैं जो गुरु हैं, और बहुत सारा ऐसे एल्बम है, ऐसे तो एल्बम मेरा 40-50 वो एल्बम मार्केट में आ चुका है, तो ऐसा गाना हम नहीं सुनाएंगे जो आप लोग को बुरा लगे। एक्चुअली मैं अश्लीलता गाना मतलब पहले गाया था, एक दो गाना मैं गाया था, उसके बाद फिर मैं उस सब छोड़ दिया हूँ क्योंकि मेरा भी घर में माई बहन सुनते हैं, आप लोग का भी माई बहन सुनते हैं, तो जो भी गाना मैं गाता हूँ साफ सुथरा गाता हूँ। अब मैं यही चाहूँगा भैया आप लोग हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि अपना छोट भाई मसूरी लाल यादव को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जनता ही सब कुछ है हमारे। अगर आप लोग चाहिएगा तो मुझे उठा सकते हैं, अगर चाहिए तो गिरा सकते हैं जी। जी तो हम जी आप लोग आशीर्वाद दीजिए और इस भाई को मसूरी लाल यादव को आगे बढ़ाइए। तो हम अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ते हैं, हमारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे दर्शकों का प्यार मिल रहा है। तो हम जैसा कि देख रहे हैं लगातार इंडिगोट्स भी बताया, इंडिगोट्स आ रहा है कि बच्चू भाई कुछ सुना दीजिए, तो बच्चू भाई ने सुनाया अभी। और सुप्रिया पाठक जी बोल रहे हैं, प्रियांक जी आपकी एंकरिंग काफ़ी अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी, आप ये आप लोगों का प्यार है। और हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्षमा चाहेंगे, कमेंट्स निकालने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, तो लाइव कार्यक्रम चल रहा है और इस दौरान हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं और हम उनके कमेंट्स को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। सिंगर प्रवीण कुमार दुबे वो बोल रहे हैं रेलगड़िया बच्चू जी, रेलगड़िया बच्चू जी कि रेलगड़िया हर रोज आवे हमरा बलम के लावे ना, रेलगड़िया रोज आवे हमरा बलम के लावे ना। दिनवा कसहूँ कटिए जाला रतिए में निंदिया आवे ना, रतिए में निंदिया आवे ना। रेलगड़िया रोज आवे हमरा बलम के लावे ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपको धन्यवाद भी मिल रहा है। आयुषी पांडे बोल रहे हैं नाइस सॉन्ग, और प्रवीण दुबे भी बोल रहे हैं कि लव यू मेरे भाई। थैंक यू। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, हम अपने प्रश्नों पर हम आते हैं दोबारा, अपने कमेंट्स पर वापस आएंगे और हम फिर से आगे के फरमाइश आपके हम लेके आएंगे। उससे पहले मैं थोड़ी से प्रश्नों को लेकर चर्चा कर लूं कि मसूरी लाल यादव जी, आपने अभी अपने एल्बम के बारे में बताया और आपने अपने जीवन में खेसारी लाल यादव को लेकर कहा कि खेसारी लाल यादव आपके प्रेरणा स्रोत हैं, जो भी हैं उन्होंने भी मंच पे विभिन्न तरह के किरदार निभाए हैं, मंच पे जो स्टेज शो होते हैं उन्होंने किए हैं, और उस दौरान साड़ी पहनकर डांस करना, और आप उनकी टू कॉपी आप साड़ी के रूप में आप अक्सर मंच पे पाए जाते हैं और काफ़ी दर्शकों का प्यार मिलता है। तो क्या है इस महिला के रूप में आने का पीछे मकसद, क्या ये आपका ड्रीम रोल है या आपको इस ये करने में मज़ा आता है? अब सर आप जो भी इसको मान लीजिए ड्रीम रोल मान लीजिए जी। सर ये है, एक्चुअली ये है कि आप जब मैं आपको सर बोल रहा हूँ कि मेरे गुरु खेसारी जी हैं, तो मतलब गांव में मतलब जब मतलब पहले बार जब मैं 2012 में एक उनका एल्बम में मैं काम किया था खेसारी जी के साथ, तो वो बोले कि इधर आओ, मैं गया, बोलते हैं कि
ए मेकअप इसको लेडीज बनाबो। अच्छा, तो उसी समय में मुझे लेडीज बनाया गया। अच्छा। और उनको बहुत अच्छा लगा, मेरा डांस बहुत अच्छा लगा। बस उसी समय से मैं अपना बोल दिए कि बेटा इस मतलब इस लाइन को अगर छोड़ दो चाहे कुछ भी करो, मगर इसको मत छोड़ो। इस लाइन में जब भी मैं अपना एल्बम निकालता हूँ चाहे गाता हूँ, हर एल्बम में मेरा एक लेडीज़ का रहता है। सर आप भी देखे होंगे तो इसलिए तो आपको चर्चा हो रहा है। जी बिल्कुल, हमने चर्चा सुना है और मैंने कहीं पे एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपका देखा था और काफी कहीं से लग ही नहीं रहा था कि ये हम जिनसे मसूरी लाल यादव से बात करें वो मसूरी लाल यादव हैं। सर काफी बेहतरीन है। तो आजकल मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड सब मूवी में ये सब चल रहा है सर आजकल, अच्छे से कलाकार कर रहे हैं तो हम लोग क्या है मतलब बहुत बड़े बड़े। तो एक्चुअली ऐसा है सर कि जी बहुत लोग को बुरा लगता है कि फलाना का बेटा लौंडा है। अच्छा, तो एक आदमी मेरे बाबूजी को बोला ए सुन सुन तोर बेटा साड़ी पहना हो तो क्यों होले तोर बेटा पहन लेता हो। हाँ बेटा कलाकार है, मोच पे ताव दिए चलते रहे। आपको बता दूं कि अगर ये इनको कहा जाता है साड़ी पहन के, जिनको कहा जाता है कि गांव देहात में लौंडा नाच की तरह इसको इसका नाम दिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी भारत के एक बेहतर कलाकार, एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट पंकज त्रिपाठी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जो हमारे बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। पंकज त्रिपाठी आज बॉलीवुड में एक बहुत ही अच्छे खासे नाम कमा चुके हैं। उनका नाम आज बॉलीवुड में बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है। बॉलीवुड में विभिन्न फिल्मों में उनके नकारात्मक और सकारात्मक किरदार को बेहद पसंद किया जाता है। आज उनकी जीवनी को भी आप देखेंगे तो उन्होंने भी अपने जीवन में साड़ी पहनकर लौंडा नाच जरूर किया था। तो क्यों कला का कोई भी अपना ये नहीं होता, आपके अंदर कला है जिसका आप प्रदर्शन करते हैं, उसका कोई रूप नहीं है। आप किस भी मामले में बेहतर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम लोग आते हैं अपने फिर से हमारे दर्शकों के पास। मसूरी जी और सुप्रिया जी हैं, वो बोल रहे हैं सरसों के सगिया से संबंधित कोई गीत है। सरसों के सगे हमारे गुरु जी गाना है जी। एक लाइन ही गुनगुनाऊंगा क्योंकि मुझे पूरा याद नहीं है जी। कि बलतारू ऐसे जैसे हर सरसों के सगिया ताजा, हर बलतारू ऐसे जैसे सरसों के सगिया ताजा। बस अब बहुत सारे हैं सर, सुनाएंगे अपना गाना सुनाएंगे सर का जी। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ आज खास मेहमान मसूरी लाल यादव जी हैं, साथ में अभिनेत्री रिया और गीतकार संगीतकार और गायक बच्चू बिहारी यादव भी मौजूद हैं। तो आप लगातार इस संगीतमय शाम का मजा ले रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कैसे दर्शकों का प्यार मिल रहा है। अब इसी के बीच दौरान हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग लगातार बच्चू बिहारी यादव जी को भी सुनने के लिए कमेंट कर रहे हैं। बच्चू जी एक गाना आपके माध्यम से कुछ हो जाए हमारे दर्शक लगातार। मेरा गाना हिंदी इंडी गॉड्स मीडिया से परसों रिलीज हुआ है, उसका शूट भी हम लोग राजगीर में किए हैं, कुछ क्लिप बचा हुआ है शूटिंग करने के लिए, तो मैं वो गाना एक लाइन सुनाना चाहूँगा। कैसे मुखड़ा तो मुखड़ा उसका याद नहीं है, सॉरी गाइड्स। कोई नहीं कोई नहीं, हालांकि चलिए हम तो हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग फिर से बच्चू बिहारी जी से सुनेंगे और आगे बढ़ते हैं हम अपना मतलब जैसा कि मसूरी जी का एक गाना काफ़ी फेमस था बोलबम को लेके, तो जैसा कि दोस्त पिछले वर्ष आपका ये जो बोलबम वाला गाना था काफ़ी फेमस था, तो क्या हमारे दर्शकों को वो गाना आप फिर से सुनाएंगे? जी जी क्यों नहीं सर। तो एक तो फेमस था सर ठुमका लगाओ बम जी, तो हम सुना चुके हैं दर्शकों को। एक और मेरा ये अभी 2018 का मेरा बोलबम का गाना बहुत अच्छा था। कि पिया पैदल चले में बड़ा डर लागेला, हर साहबन में भीड़ देवा घर लागेला, आया सो कन्हावा पर कावर लेके ना जाई बो राजा, आ मसूरी के टेम्पू से चल जाई, अरे सबसे आगे हम निकल जाई बो राजा, आ मसूरी के टेम्पू से चल जाई। इसमें सर मैं खुद लेडीज बना हूँ। अच्छा, यानी हम लोग नहीं अभी सर ये गाना मेरा मतलब भोजपुरी सिनेमा एक चैनल है जो मतलब एक महीना मेरा सावन में खूब चला चैनल पे। अच्छा। और वो चैनल वाले मुझे फरमाइश करते हैं कि मसूरी जी जितने भी आपका साड़ी वाला गाना है मुझे भेज दीजिए लिंक।
मतलब ओरिजिनल उसका MOV फाइल भेज दीजिए, मैं आपका डेली चलाऊंगा, क्योंकि उनको मुझे साड़ी वाला से पसंद हो गया है वो। यानी यूँ कह सकते हैं कि हम लोगों ने अभी जो साड़ी वाले लुक की बात की थी जी, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मसूरी लाल यादव जी नहीं एक बेहतर कलाकार मतलब अभिनेता हैं, गायक हैं, बल्कि ये बेहतर एक नर्तक भी हैं, एक अच्छे डांसर भी हैं। तो ज़रूरत पड़ी तो आप अपने डांस कला के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। अब क्या कहें हम, देखिए यहाँ तो सर स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं अब आप लोग को जरूर मौका मिलेगा दिखा देते हैं सर। चलिए आप लोग से मैं यही कहूँगा कि आज के लिए क्षमा चाहता हूँ, अगले बार बिहारी न्यूज में जब मैं आऊँगा तो सर से बोल दूंगा सर स्पेस में गांधी मैदान में हमको इंटरव्यू लीजिएगा। जी आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि आप इतने बड़े स्टार हों कि आपके लिए पूरा गांधी मैदान छोटा पड़ जाए और दर्शकों की कचाकच भीड़ बढ़ी रहे। हालांकि अभी भी आपके लिए हमारे दर्शक अभी बैठ के जहाँ है वहाँ ही सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देख रहे हैं, अगर वो सभी एकत्र होंगे तो उसका एक अलग ही मज़ा होगा। और उम्मीद करते हैं कि वह वक्त भी बहुत जल्द आएगा जब हम आपको मसूरी जी का एक बेहतर डांस गाना और बहुत बेहतर अभिनय के साथ हम लोग देखेंगे, फिल्मों में भी देखेंगे। चलिए हम बात करते हैं आगे। एक मसूरी जी, एक जी खास सवाल आपसे, मैंने बहुत दिन से मतलब इससे पहले कुछ महीने पहले एक बिहार में प्रोटेस्ट हुआ था खेसारी लाल यादव को लेके जी यह सवाल हमारा आपसे है निजी है कि खेसारी लाल यादव पर जो जानलेवा हमला हुआ था तो उसको लेकर आपके नेतृत्व में जो बिहार बंद किया गया था, क्या उद्देश्य था आपका? वो तो मतलब अश्लीलता के खिलाफ सुनने में आता है कि अश्लीलता को लेकर उन पर हमला किया गया, चाहे जो भी हो तरीका भले ही गलत थी, तो आप उस बंद कराने का उद्देश्य आपका क्या था? आप अश्लीलता के पक्ष में थे या सिर्फ खेसारी लाल के पक्ष में थे? देखिए सर, एक्चुअली ऐसा है कि अश्लीलता तो अब तो बंद हो चुकी है जी, बहुत लोग ऐसे ऐसे जो अभी भी गा रहे हैं, अभी तो गाना अभी भी चल रहा है सर, मगर जो जो मतलब कलाकार अच्छे अच्छे हैं उनको उठा के देख लीजिए, अब अश्लीलता बंद हो चुकी है। अच्छा, और उस दिन मतलब किसी कलाकार को, जिससे हम भी कलाकार हैं, मुझे भी कोई प्रोग्राम में अगर बुलाते हैं और अगर मान सम्मान नहीं देंगे, उसके बाद फिर शीशा उसा गाड़ी को फोड़ देंगे, मार उड़ के भगाएंगे, ये तो गलत है ना सर, क्योंकि मैं भी कलाकार हूँ वो भी कलाकार है, तो कहीं भी आप प्रोग्राम किसी का भी करवाते हैं तो उसे मान सम्मान दीजिए सर। तो उसके लेके हम लोग मतलब खड़े थे कि नहीं, हम भी कलाकार है, कभी मेरे साथ भी हो सकता है, आज उनके साथ हुआ है तो कल मेरे साथ भी हो सकता है। अश्लीलता को लेकर आपका क्या नजरिया है? अश्लीलता सर क्या करना चाहिए? अब क्या बोलें सर, अश्लीलता तो मैं भी एक दो को गाया था पहले, मगर अब नहीं, क्योंकि मेरे भी घर में अब लोग बहुत सुनते हैं, पहले जब इस लाइन में आया था उस समय चलता था, अब उसमें अब बंद कर दिया, उसको हम नेट पर से भी डिलीट करवा चुके हैं जो गाना। बहुत ही बेहतर अच्छा कदम है आपका। आपका अब एक बार मैं फिर से आप कुछ सुनाने वाले थे? हाँ, चलिए तो ठीक है, फिर से मैं एक बार फिर से बच्चू बिहारी जी के पास वापस आता हूँ और सुनते हैं बच्चू बिहारी जी की आवाज़ में एक खास गाना। तैयार रहिए। रिलीज हुआ है, भैया लोग को तो बता ही दिए हैं, अगर दिक्कत होता हाथ में ले सकते हैं इसको, तो शायद आप ज़्यादा कम्फर्टेबल हो। जी जी आओ सुनाऊं यारो एक बेवफा की राज, आओ सुनाऊं यारो एक बेवफा की राज, मैं टूट गया क्या कहूँ, मैं टूट गया क्या कहूँ, दिल ये रोया है आज, आओ सुनाऊं यारो एक बेवफा की राज, आओ सुनाऊं यारो। तो जैसा कि आप अभी सुन रहे थे, हमारे साथ खास जो मेहमान हैं बच्चू बिहारी यादव जी, जो एक गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, गायक भी हैं, यूं कहे तो ये भोजपुरी फिल्मों के प्राण एक्टर हैं जी। इनको मतलब जो ऐसे ऐसे गाना गाते हैं जी, एक्चुअली ऐसा ही ये गाने ही गाते हैं। अच्छा, तो इससे पता चलता है कि इनका कितना बड़ा दिल टूटा है। अच्छा, हाँ, तो आपको आप ही इनका शरीर देख के बता दीजिए कि इनके अंदर कितना बड़ा दिल होगा। है सर कि मोहम्मद अजीज जी इतना लोग गाए थे, इतने सारे सिंगर को दिल टूटा है तभी लोग। कहा जाता है, जरूरी नहीं, सीरियसली मैं इस बात से सहमत हूँ, कहा जाता है कि जो सूरदास थे उन्होंने आंखें बंद करके, यानी बिना आंखों के जितना उन्होंने कृष्ण कहा है, सो मतलब चित्र या वर्णन उन्होंने कर दिया था, उतना कोई उन्हें देखकर भी नहीं कर सकता था।
तो जरूरी नहीं कि दिल टूटा हुआ वाला गाना जो गाए वो कोई बेवफा मेरे गुरु जी का दिल टूटा है। चलिए ये आपका निजी मामला है, ये आपका निजी मामला है, आप इसको। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं मसूरी जी। जी जी जी, हमारे बहुत सारे आपके दर्शक जो हैं वो आपसे जुड़े हैं, वो आप लगातार आपके बारे में आपसे कुछ गाना सुनना चाहते हैं। सबसे पहले सर मैं बिहारी न्यूज को धन्यवाद देता हूँ कि आज जी हम लोग इतना मतलब बेहतरीन मतलब टाइम हम लोग के दिए हैं। और चलिए ठीक है सर, चलिए बिहारी न्यूज ऐसे सभी कलाकारों को लाते रहे जी और अपना इंटरव्यू हम लोग देते रहेंगे, सभी कलाकारों पब्लिक को इंटरटेनमेंट करते रहेंगे और क्या। जी बिल्कुल, बिहारी न्यूज ऐसे सभी कलाकारों को उचित मंच देने का काम करती है। आपको मैं बता दूं एक चीज, मैं आपके साथ मैं शेयर कर दूं, अगर जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैं उन्हें बता दूं कि बिहारी न्यूज ने एक खास सेगमेंट शुरू किया है, बिहारी मुहिम, एक कदम समाज के जरूरतमंद एवं समाज कल्याण के लिए। दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि बिहारी मुहिम एक वह मुहिम है जिसके माध्यम से बिहारी न्यूज उन लोगों की सहायता करेगी, उन लोगों के लिए एक मुहिम चला रही है जो समाज में काफ़ी कमज़ोर हैं या जो विभिन्न कमियों के बीच में जी रहे हैं, उसके लिए हम मुहिम कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं। उससे जुड़ने के लिए आप भी जुड़ सकते हैं हमारी इस मुहिम में, आप विभिन्न रूप से आप सहायता कर सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हम आपको अपना इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। फिलहाल हम आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में और आपको बताते हैं कि मसूरी लाल यादव जी बहुत ही बेहतर गायक के साथ साथ एक अच्छे डांसर भी हैं, और जिसकी बात आप समझ से इस बात से ही आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार इन पर कमेंट्स आ रहे हैं। सुप्रिया पाठक जी आपको बोल रही हैं कि एक बार साड़ी वाला ठुमका लगा दीजिए मसूरी जी। जरूर 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 जी लगाएंगे, लगेगा, लेकिन माफ़ी चाहेंगे कि अभी समय कम है, समय नहीं है, स्पेस भी भरपूर है, लेकिन उसके लिए अभी लाइव का जी सर अगले बार में मैं जरूर करूँगा आप। जी बिल्कुल, तो आते हैं हम लोग फिर से जी आते हैं फिर से एक बार, एक दर्शक हैं उनका आया है कि बोलबम का कोई गाना वो बता रहे थे, सुन ले बानी नाम देवघर के। जी 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 जी, प्रवीण कुमार दुबे जी। जी जी, कि सुन ले बानी नाम देवघर के, हमरो के संगे घुमा दी अशोक के पावन में, हमरो से चली न कावर ढोवा दी, कि हम बानी लचर। एक लाइन थोड़ा मतलब भूल चुके हैं, कोई बात, हमारे गुरु जी ही सीजन खत्म होता है। हाँ सीजन सर खत्म हो जाता है तो नया नया आता था, और दूसरा गाना सुनाएंगे सर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप देख रहे हैं लगातार आप इस संगीत में शाम का मजा ले रहे हैं इस, और खूब ढेर सारा मनोरंजन आप कर रहे हैं, हमें दिख रहा है आपका प्यार लगातार हमें मिल रहा है। मसूरी लाल यादव जी को दर्शकों का प्यार लगातार मिल रहा है, लगातार बच्चू बिहारी जी को लेकर भी फरमाइश आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। उससे पहले एक आप खेसारी लाल यादव जी के खास होने के नाते, अभी उनकी जो एक फिल्म रिलीज हुई है कल, दबंग सरकार दबंग सरकार के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? दबंग सरकार देखिए मतलब आजकल जितने भी फिल्म आते थे, मतलब बहुत सारे फिल्म में अश्लीलता तो आप लोग मतलब देखवे किए होंगे, तो ऐसा ऐसा फिल्म मेरे गुरु जी अब आजकल कर रहे हैं कि घर घर मतलब आप लोग अपना फैमिली के साथ जाकर देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारा मतलब फिल्म है, बहुत ही अच्छा है, इसमें एक भी अश्लीलता नहीं है। आप जाके देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे गुरुजी तो गुरुजी है ही हैं, बहुत ही प्यारा है फिल्म दबंग सरकार, आप अच्छा लोग अपना परिवार के साथ देखिए। इसी बीच हमारे बहुत सारे दर्शकों का कमेंट्स आ रहे हैं, वो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। प्रवीण कुमार दुबे जी वो कह रहे हैं खर्चा बहुत हो जाता है बाबा धाम जो जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है, थैंक यू कि बाबा धाम जो जाता है रुपया खर्च हो जाता है, अरे भोले के दर पे जो जाता है अरे बिन मांगे सब पाता है, यही गाना था सर लाइन। अच्छा तो उस गाना को उन्होंने पूरा किया, यानी कह सकते हैं कि आपके इस गाना को काफी प्यार से उन्होंने सुना है, काफी ध्यान से उन्होंने सुना है, और उस चीज को वो काफी संभाल के रखे हैं, उनकी याददाश्त गए अपनी यादों के माध्यम से आपके गानों को उन्होंने आगे बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बता दें कि अभी आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज प्रत्येक शनिवार को आपके लिए लेके आता है वीकेंड स्पेशल संगीतमय कार्यक्रम,
और इस दिन हम विभिन्न गायकों के माध्यम से आपका इस वीकेंड को खास बनाने का भरपूर प्रयास करते हैं। और आज आपके आपके कमेंट्स लगातार हमें आते रहे हैं, लगातार आपका प्यार हमें मिलता रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी न्यूज यूं ही आपके मनोरंजन के लिए काम करता रहेगा, आपको विभिन्न खबरों से अपडेट कराता रहेगा। तेजी से बिहार के प्रत्येक खबरों पर नज़र रखने के लिए, बिहार के प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहार के तेजी से उभरते हुए पोर्टल बिहारी न्यूज bihari.news को लाइक करें, उसको फॉलो करें और हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रहें। बिहारी न्यूज अपने आपके सपनों का उड़ान जो है विभिन्न गायकों को लेकर भी आगे बढ़ता रहेगा। जी मेरे गुरु जी का गाना है बहुत ही प्यारा, अभी 2018 का था जो मतलब भक्ति था देवी गीत खान जी। तो एक गुरु जी आइएगा कि होते सवेरे पिया अरे जईहा बजरिया आ चढ़ते नवरात्र घरे आई है मयरिया चुनरिया ले ले आई हा हर यारा से ये सैया चुनरिया ले ले आई हा होते सवेरे पिया जईहा बजरिया जी चढ़ते नवरात्र घरे आई है मायरिया चुनरिया ले ले आई हा पटना से ये सैया चुनरिया ले ले आई हा। चलिए स्टेज नहीं है भैया, स्टेज रहेगा तो काफी आप जैसा कि देख रहे हैं कि बहुत ही मतलब मजेदार कार्यक्रम हमें लग रहा है कि आपका प्यार जैसा कि मिल रहा है। हम लगातार आपके कमेंट्स को पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं जो शायद वो लेट हो जाने की वजह से छूट जाता है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इसी तरह के कार्यक्रम को लाते रहें। जाते जाते बच्चू बिहारी जी आप कुछ सुना दें एक बार, कोई हिंदी गाना जी बिल्कुल, राहत फतेह अली खान का गाना सुना दीजिए फिर। उनका तो नाम तो सुनाएंगे गाना उनका जी बिल्कुल कोशिश करते हैं। उनका गाया हुआ बस गाना कोई गाना चलिए ठीक है सर, चलिए ठीक है। मतलब एक गाना हम लोग अभी बहुत प्यारा मतलब न्यू ईयर आने वाला है जी, हमारे गुरु जी बच्चू बिहारी जी कंपोज किए हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सुना दीजिए पहले वो कि मुर्गा चावल खाएंगे अरे पटने में पार्टी मनाएंगे ठीक है। यानी आप देख रहे हैं आज से ठीक एक महीना बाद नव वर्ष की तैयारी, नव वर्ष है, नया साल, 2000 नेट पे इंडिगोट्स मीडिया पे है, मतलब 2019 की तैयारी में इंडिगोट्स की टीम मसूरी लाल यादव और जो इनके गीतकार कंपोजर हैं संगीतकार बच्चू बिहारी यादव जो हैं वो तैयारी में लग चुके हैं और मुर्गा चावल बनाने की तैयारी में हैं। और आप लोग तो उम्मीद करते हैं कि हमें भी पार्टी में बुलाने का ये कोशिश करेंगे और मुर्गा चावल छोड़ने के बाद अच्छा नहीं करना चाहिए चलिए। तो हालांकि मजाक मस्ती बहुत हो गई, हम लोग तो मुर्गा चावल नहीं बनेगा चाहे मीट तो बनेगा, खैर ये वक्त बनेगा सर, ये वक्त के अनुसार ये पता चलेगा कि उस वक्त पार्टी में क्या बनती है, पार्टी का भी बाकी है। सर कंपोज भी किए ना कि बिहार में नहीं मिलेगा तो यूपी से लेके आएंगे। अच्छा सर बिहार में तो बंद है ना सर जी। तो चलिए जैसा कि देख रहे थे आप हमारे साथ मसूरी लाल यादव जी मौजूद थे जो खेसारी लाल यादव जी के बेहद खास एकदम बिहार के तेजी से उभरते हुए भोजपुरी गायक हैं और वो उनके साथ आने वाले एल्बम में अभिनेत्री बनकर लॉन्च हो रही है रिया जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चू बिहारी यादव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने हमारे साथ इस शाम को काफ़ी हमारी शाम को काफ़ी मनोरंजक बनाया और बिहारी न्यूज़ के माध्यम से बिहारी न्यूज़ के दर्शकों को आपने बेहद प्यार दिया जी बिल्कुल। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम दर्शक से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग मेरा गाना सुनना चाहते हैं सर तो YouTube पे सर्च कीजिए मसूरी लाल यादव, जितने भी हमारे गाने हैं उसको सुनिए, जो भी कंपनी से गाने आएंगे थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाला बटन भैया मत भूलिएगा दबाना। एक मेरा ऑफिशियल चैनल भी है मसूरी लाल यादव ऑफिशियल, अगर आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ठीक है।
तो जाते जाते मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि बिहारी न्यूज़ के बेहद खास सेगमेंट बिहारी मुहिम को आप लोग सपोर्ट करें और बिहार की इस बेहतर बिहारी न्यूज़ के इस बेहतर कदम के माध्यम से आप भी समाज कल्याण के क्षेत्र में काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। आप इसके बारे में कुछ बोलेंगे हमारे बिहारी मुहिम के लिए? मतलब हमको एक प्रवीण भैया है हमारे इंडियो गॉड्स का, जो हमको बताए थे कि बिहारी न्यूज में ऐसा ऐसा काम चला, हम उनको बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मेरा भी कोई सपोर्ट रहेगा सर तो हमको भी बोलिएगा, मैं सपोर्ट जरूर करूंगा। तो जैसा कि देख रहे हैं लगातार दर्शकों का प्यार आपको मिलता रहा है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा। एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सबको इस वीकेंड की एडवांस वीकेंड मस्ती को हमने खास बनाने का पूरा प्रयास किया। सर, और आप एक जो कमेंट्स आया था वो बोल रहे थे कि थोड़ा ठुमका चाहिए। अच्छा सर, अगले का तैयारी कर दीजिए सर। जी बिल्कुल, वो अभी हम ऑफिशियल ऐलान नहीं करेंगे, हालांकि उसका हम शेड्यूल के अनुसार फिर आगे के कार्यक्रम करेंगे। दर्शक ही हमारे सब कुछ है जी, उनका अगर दिल तोड़ दीजिएगा तो मेरा दिल। दर्शकों का प्यार, हमारे प्यारे दर्शक लगातार हमसे जुड़े रहेंगे, उम्मीद करते हैं हम उनके माध्यम से और आप हमारे बिहारी न्यूज को, बिहार के तेजी से उभरते बिहारी न्यूज पोर्टल को आप लाइक करें, फॉलो करें और बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों को से अपडेट रहें। धन्यवाद, आप देख रहे थे बिहारी न्यूज, मैं प्रियांक सौरभ, धन्यवाद।